Welcome students, welcome to CHS Science Classes. Previous video रे, आमर ओटिके problem ही जाएगी ना जोड़ा कि तमरो external literature आमे clear रे कोई पार नहीं थी। तो जो internal literature जोड़ा है ना आमर Excel file भीतर हमें लिखूँ ची, okay? तो external literature विषय तेरे को ही दो ची, जोड़ा कि अजनत रे जोड़ा video डा बॉन्ड ही आएगी ना, okay? तो देखो a.dtd ओके तो ए डॉट डीटीडी जोटा आम गोटे आम बाहर गोटे डीटीडी क्रिएट कर बुझ पड़ा तो ता ना दबा कौन ए डॉट डीटीडी क्लियर ओके तो ए जो ए डॉट डीटीडी रे आम जो इंटरनल डीटीडी रे जहाँ मुझे लिखी थी प्रीवियस वीडियो रे डीटीडी रे जहाँ किसी थिला कोडिंग पार्ट सेटा आम क्या अंदर लिखा ए डॉट डीटीडी माने एड्रेस डॉट डीटीडी ओके आम ये जहाँ भी तुम नेम दे पार क्लियर अच्छा तापर कौन है ला जो तुम्हारा XML फाइल आर मेन पार्ट कोड़ा XML फाइल को तुम्हें कैंटी डीटीडी से तो लिंक करें बुझा पड़ा डीटीडी का पार्ट हमारा XML फाइल पर हमें रखिएगा सो दैट दे कैन इंटरलिंक ईच अदर ओके तो देखो ये अब फर्स्ट इस ला कौन डीटीडी पार्ट हमें का कोड लिखिले एड डॉट डीटीडी लिखिले ओके तापर हम उठे लाइन दे लिखिले जोड़ा कि बेसी इंपोर्टेंट देखो डॉग टाइप ए लाइन का पूरा इंपोर्टेंट माने कौन लिख लिया हमें एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप एड्रेस एड्रेस माने हमर कौन रूट एलिमेंट ओके एड्रेस सिस्टम हमर एक्सटर्नल डिटेल रे गोटे कीवर्ड लिखा जे ता सेटा कौन सिस्टम सिस्टम एही हमें कौन देले ना डिटेल रो पाथ रामेट देले बुझा पड़ला माने को डिटेल को हमें एही लिंक करया पे चाहू छे ओके ता नाटा कौन थिला ए डॉट डिटेल क्लियर तो एटा हमर लिंकेज पे काम देला बुझा पड़ला ए लाइन टा हमर कोन पे काम देला ना एक्सएमएल फाइल को डीटीडी सहित हम लिंक करले ओके तापर हम पढ़ लिखिबा जो इंटरनल डीटीडी रो जो एक्सएमएल पार्ट टा जो एड्रेस पार्ट टा ओके तापर हम एटा लिखि बुझा पड़ला तो इंटरनल डीटीडी और एक्सटर्नल डीटीडी बिषरे डिफरेंस जानि पालो इंटरनल डीटीडी रे कोन हुए ना एक्सएमएल फाइल भितरे ही हमर डीटीडी लिखा हुए किंतु एक्सटर्नल डीटीडी रे कोन हुए डीटीडीटा हमर कोन डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन रे बाहर लिखा हुए तार लोकेशन टा फाइल नेम टा को हमें एठी एक्सएमएल फाइल रे दो सो दैट इट कैन लिंक ओके तो एटा होची हमर लिटिल बिट ओवरऑली डिस्कशन अबाउट प्रीवियस वीडियो जोडा की इंटरनल डीटीडी और एक्सटर्नल डीटीडी ओके अच्छा आज पढ़िया कोन एक्सएमएल नेम स्पेस क्लियर एक्सएमएल नेम स्पेस कहले कोन बुझछ हमें ना तार गोटे नेमिंग रो एक्सएमएल नेम स्पेस को आम केमी यूज करके आम कौन कनफ्लिक्ट आम दूर कर ओके तो व्हाट आर द कनफ्लिक्ट्स हाउ टू रिजॉल्व कनफ्लिक्ट बाय यूजिंग नेम स्पेस ओके तो देख फर्स्ट एक्सएमएल नेम स्पेस हूँ कौन इट इज यूज टू एवॉइड एलिमेंट नेम कनफ्लिक्ट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट माने कौन बुझ ना एलिमेंट नेम कनफ्लिक्ट माने कौन सपोज गोटे एलिमेंट मुझे डेस्क्राइब करजामपल सहित हाँ देख जदि गोटे एलिमेंट रेम आउ गोटे एलिमेंट रेम दीटा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट रे आम कौन है एलिमेंट नेम सेम हो गला से आम जो मर्ज करने चाहिए एक्सएमएल फाइल दीटा को से कनफ्लिक्ट एराइज ओके तो टू रिजल्व दैट कनफ्लिक्ट कनफ्लिक्ट टू रिजल्व करने कौन यूज करे बेसिकाली आम यूज करेम स्पेस बुझा पड़ा तो एक्सएमएल फाइल व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सएमएल नेम स्पेस द पर्पज ऑफ एक्सएमएल नेम स्पेस इज यूज टू रिजॉल्व द नेम कॉन्फ्लिक्ट एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट बुझा पड़ा तो एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट को हम कौन करबा ना रिजॉल्व करिया पर मैं कौन सहायता करूची एक्सएमएल नेम स्पेस क्लियर अच्छा तो इट इज यूज टू एवॉइड एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट तो लेटर ऑन बुझी परबो मो जस्ट एग्जांपल दे छी सिंटैक्स दे छी एबे माने दीटा को एग्जांपल दे के भी डिस्क्राइब कर छी ओके अच्छा तो इट इज अ सेट ऑफ यूनिक नेम एक्सएमएल नेम स्पेस ता हमर कोन गुटे सेट ऑफ यूनिक गुटे यूनिक नेम को हमें ताको दे परबा एक्सएमएल नेम स्पेस सो हमर माने यूजर रो रिक्वायरमेंट यूजर रो इच्छा अनुसार हमें दे परबा ओके अच्छा आइडेंटिफाइड बाय यूआरआई यूआरआई कोले कोन बुझे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ओके तो आगु हमें पढ़तिले कोन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सेम एज दैट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रो काम जहां यूआरआई रो काम ओके
तो देखो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूआरआई यूआरआई द्वारा इट आइडेंटिफाइड हुए सच में आपको कौन कहा जाए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाइड ओके मुझे बोला नेक्स्ट ऐसा करो एट्रीब्यूट नेम मस्ट स्टार्ट विद एक्स एम एल एन एस एट्रीब्यूट नेम का कोथरो स्टार्ट हो एक्सएमएल एनएस एनएस माने कोन नेम स्पेस देखो एडी एक्सएमएल फॉर कोन हमर एक्सएमएल एक्सएमएल फाइल जे हम ला कोन ना देबा एक्सएमएल मिल ना देबा आ एनएस माने कोन नेम स्पेस क्लियर बुझा पड़छि हम एतिके आरो कोन एक्सएमएल नेम स्पेस रा फीचर्स ओके तो देखो फर्स्टली नेम स्पेस जानो जे काहाकू कहंती नेम स्पेस होची गोटे प्रकार कोन आइडेंटिफायर हमें कौन पर यूज करू छे इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व द नेम एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एक्सएमएल फाइल दीटा एक्सएमएल फाइल भितरे तार कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस जेतेबेले हबो से कॉन्फ्लिक्ट को दूर करिया पे हमें कौन यूज करू छे एक्सएमएल नेम स्पेस ओके तार फीचर्स सब जान लो ना कोन इट इज यूज्ड टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट दूर करिया पे हम यूज करू छे देन असला कोन इट इज अ सेट ऑफ यूनिक नेम्स ओके एडा गुटे यूनिक नेम को धरा जाए ओके तब ऐसे अपन आइडेंटिफाइड बाय यूआरआई यूआरआई कहले कोन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इट इज सिमिलर लाइक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल ओके तब ऐसे एट्रीब्यूट नेम मोस्ट स्टार्ट्स विद एक्सएमएल एनएस एनएस फॉर नेम स्पेस क्लियर ओके देन गो फॉर सिंटैक्स व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ नेम स्पेस नेम स्पेस रे जो सिंटैक्स थिबो तो व्हाट इज द सिंटैक्स देखो फर्स्ट हमर कोन एलिमेंट को धर के बेस कर केटा होची त हमें कोन यूज करबा एलिमेंट ओके तो एंगल ब्रैकेट एलिमेंट एक्स एम एल एन एस माने कोन नेम स्पेस ओके नेम स्पेस असला देन असला कोन नेम नेम इक्वल टू यू आर आई ओके तो नेम कहले कोन हमरो सब बेले कॉन्फ्लिक्ट ता में दूर करबा का को बेस कर दूर करबा ना सब प्रीफिक्स इज अटैच्ड टू द एलिमेंट नेम बुझा पड़ला माने देखो सपोज गुड पिलर नाम होची अमन ओके आ गुड पिलर नाम होची अमन बीच दीडा पिलर ओके क्लास रे अछंदी दिजन जक नाम होची अमन तो जदी टीचर्स टीचर्स डाकिबे कोन डाकिबे ना अमन कहले केतना पिलर ठिया हेबी दीडा पिलर ठिया हेबे ओके तो हमें से कॉन्फ्लिक्ट को दूर करिया पे हमें कोन यूज करिबा केमदी यूज करिबा अमन ए अमन बी ओके तो ना अमन ए तो ना अमन बी ओके तो अमन ए कहले केतना पिला छै आबे गोटे पिला के आबो काहे कि से जानि छी ता संग प्रीफिक्स कोन माने कनेक्ट करा है छै ए ओके अमन बी कहले आ गोटे पिला के आबो ता संग प्रीफिक्स कोन कनेक्ट करा है छै बी सो दैट दे कैन इंटरैक्ट दे कैन डिफरेंशिएट विथ ईच अदर बुझा पड़ला माने कॉन्फ्लिक्ट कोन होतला दीडा बिना खिया होतली बुझा पड़छ ना किंतु हमें अमन पाखरे गुटे ए लगे देले एटा होच हमर कोन नेम बोली जो लिखा है जी प्रीफिक्स प्रीफिक्स लगे देले हमर कोन हो ना दीटा कोन हो डिफरेंशिएट हे जीव सो दैट हमें कोन कर पाइबा ना आइडेंटिफाई करिया पे हमको ए जी बुझा पड़ला अमन ए कहले गुटे अलगा पिला अमन बी कहले गुटे आबो अलगा पिला बुझा पड़ला तो अमन कहले हमें दीडा पिला जेंती छुडा हे आउतले छुडा कोन होतला कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होतला हम कंफ्यूजन होतला तो टू रिजॉल्व दैट कंफ्यूजन वी हैव टू यूज नेम स्पेस बाय यूजिंग प्रीफिक्स अमन ए अमन बी से एट मी से सेम फार्मूला अप्लाई होची देखो हमें कोन यूज करके कॉन्फ्लिक्ट दूर कर पेला प्रीफिक्स प्रीफिक्स होची नेम ला हो जमरो को हिसाब रे काम करबो प्रीफिक्स तमे एठी किछ बुझि पारि माने लेटर ऑन बुझि पारिबो ओके तो प्रीफिक्स हमरो नेम ला को हिसाब रे काम करबो ना प्रीफिक्स तापर नेम इक्वल टू यू आर आई माने को कहि देबे कोन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ओके एटा हमरो को हिसाब रे काम करबो यू आर एल माने कहि दिली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बुझा पड़ला क्लियर तो एटा होचे हमर सिंटैक्स होची सिंटैक्स तार एक्सएमएल नेम स्पेस सब बोले मन रखिबो सिंटैक्स को बेस करि हि कि हमर माने लेटर हम कोन करबे रे कोडिंग क्रिएट करबे ना तो सिंटैक्स सब बोले मेन पार्ट हमर मेन रोल सिंटैक्स होची मेन रोल ओके तो सिंटैक्स कोन रहला एंगल ब्रैकेट एलिमेंट एक्स एम एल एन एस माने कोन नेम स्पेस कोलन नेम होची हमर को हिसाब रे काम देला प्रीफिक्स
इक्वल टू यूआरआई यूआरआई माने कोन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर सेटा हमर को हिसाब रे काम दला यूआरएल ओके अच्छा तो एटा होची हमर कोन सिंटैक्स हेले देखो एलिमेंट्स एंड एट्रिब्यूट्स नेम्स बिलोंग टू यूआरएल ओके एटा कोन लिखली मु एलिमेंट एलिमेंट रो नाम आउ एट्रिब्यूट रो नेम बिलोंग्स टू हमर का को बिलोंग्स करके हबो यू आर एल को बिलोंग्स करछ ओके एलिमेंट आ एट्रिब्यूट नेम हमर का को बिलोंग्स करछ यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को बिलोंग्स करछ ओके अच्छा एबे देख को प्रकार कॉन्फ्लिक्ट्स हमर एराइजेस होछ सेटा जानिला पर ही हमें जानिबा कोन ना कॉन्फ्लिक्ट को दूर केमिति करबा ओके देखो कॉन्फ्लिक्ट मींस जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स ऑकर्स व्हेन वी ट्राई टू मिक्स When conflicts occurs, when we try to mix the XML more than one XML documents, then conflicts occurs. Okay? देखो, generally conflicts occurs when we try to mix XML documents from different XML applications. Okay? So different XML application do. इधर वाले XML application, इधर वाले XML application. A XML application do. A वाले XML आसना. एक उड़े एप्लीकेशन रूल एक उड़े एक्सएमएल आसे ना ओके तो डिफरेंट एक्सएमएल फाइल्स जो बोले मर्ज हुए तो बोले मर्ज हुए से तो बोले कौन में कॉन्फ्लिक्ट एराइजेस ओके तो कॉन्फ्लिक्ट व्हेन कॉन्फ्लिक्ट एराइजेस व्हेन डिफरेंट एक्सएमएल फाइल्स आर गोइंग टू बी मर्ज्ड दैट विल कम फ्रॉम डिफरेंट एक्सएमएल एप्लीकेशंस ओके तो सेतबेले हमर कोन एराइज हुए कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुए तुम जानिलो कॉन्फ्लिक्ट केमिति एराइज हुए कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुए केते बेले ना जते बेले एक्सएमएल फाइल डेटा मर्ज हुए ओके तो एक्सएमएल फाइल डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन रु एक्सएमएल फाइल जको आसी थाए से एक्सएमएल फाइल जले मर्ज करिया का चेष्टा करू देन ओनली कॉन्फ्लिक्ट एराइजेस ओके तो देखो तो जानिलो कॉन्फ्लिक्ट केमिति एराइज हुए देन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माने कॉन्फ्लिक्ट ता एमि ए टाइप रो एराइज हुए आने रिजल्ट केमिति कर परबा बाय यूजिंग नेमस्पेस ओके तो एटा को लिखली कोन कॉन्फ्लिक्ट ता हाउ कॉन्फ्लिक्ट एराइजेस हाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स एट लिखली कोन हाउ टू रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट बाय यूजिंग नेमस्पेस क्लियर ओके तो देखो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मुझे तुम एबे एग्जांपल कहली अमन अमन कथा कहली ने देखो से सेम थिंग दीटा में एक्सएमएल फाइल करबा गोटे हूँ 1.xml गोटे हूँ 2.xml बुझा पड़ी क्लियर गोटे हूँ आम कौन 1.xml गोटे हूँ कौन 2.xml फर्स्ट गो टू 1.xml देख फर्स्ट आम कौन रहा है क्लास क्लास कौन एलिमेंट नेम ओके जो मैंने प्रीवियस मैंने वीडियो देखी ना प्रीवियस प्रीवियस वीडियोटा मस्ट देखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली ओके प्रीवियस वीडियो देखे ना तो डायरेक्ट एटिक आसो तो किसी भी बुझीप ना तो मुझे डिस्क्रिप्शन प्रीवियस वीडियो भी लिंक दे देदेवि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली फास्ट से वीडियो देखो देन एटा ओके तो कौन आसा एक्सएम 1.xml कौन आम क्लास क्लास बोली गोटे मुझे कौन क्लासटा कौन एलिमेंट ओके रूट एलिमेंट तापरे नेम अछि नेम हमर कोन क्लास अंडर रे नेम रहूछि मन तार पे चाइल्ड हम कोइ परबा न सब एलिमेंट भी कोइ परबा ओके तो एडा हम जमर सब एलिमेंट को मन चाइल्ड एलिमेंट को जा भी को ओके तो क्लास अंडर रे नेम अछि नेम रे माने डॉटेड लाइन हम करिछि जा भी तुम नेम एंट्री करि परबो ओके देन स्लैश नेम ओके नेम ता क्लोज हो गेला देन स्लैश स्लैश प्लस हमर एलिमेंट क्लोज हैला ओके एडा हम जमर फर्स्ट 1.xml रो किछि गोटे कोडिंग क्लियर 2.xml आ गोटे एक्सएमएल अच्छे हमर मु कहि दे कोन मोर देन वन एक्सएमएल जे मर्ज हो हमर कोन हो छो कोन हमर एराइज हो कॉन्फ्लिक्ट ओके तो फर्स्ट असले कोन क्लास सेम थिंग क्लास नेम डॉट लाइन स्लैश नेम स्लैश क्लास ओके तो एटा हम हमर 2.xml ओके तो दीटा एक्सएमएल फाइल बनि वाला एबे हमें कोन करबा ना एक्सएमएल फाइल दीटा रे हमरो मर्जिंग करले को प्रकार कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो छन देख ओके देखो इथिन कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स ड्यू टू सेम एलिमेंट नेम एंड द सेम एट्रिब्यूट नेम केतेबेले कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स हो तमे नोटिस करि पाथु होइथि एठी क्लास अछि एठी भी क्लास अछि एठी नेम अछि एठी भी नेम अछि एठी स्लैश नेम तार नेम रो क्लोजिंग होइ छि एठी भी सेम क्लोजिंग होइ छि एठी स्लैश क्लास अछि एठी भी स्लैश क्लास अछि क्लियर बुझी पार्छ माने एलिमेंट रो नेम दीटे जगह रे कौन अच्छी सेम अच्छी ओके
एटा जहा अछि एटा भी तहा अछि एट्रिब्यूट नेम एटा जहा अछि एटा भी तहा अछि ओके तो सेम अछि जते बले हमरो कोन एराइज हला कॉन्फ्लिक्ट एराइज हला केते बले व्हेन वी आर गोइंग टू ट्राई टू गोइंग ट्राई टू मिक्स दे ओके जब हम मिक्स करिबा मर्ज करिया पे चाहिबा सेते बले कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो अदरवाइज ओके देखो कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन सेम एक्सएमएल और डिफरेंट एक्सएमएल माने हमर कॉन्फ्लिक्ट अकाउंट भी ना सेम एक्सएमएल फाइल रे भी अकर्स करि परिबो डिफरेंट एक्सएमएल फाइल भी अकर्स करि परिबो केते बले ना जब एलिमेंट नेम आ एट्रिब्यूट नेम ता हमरो सेम थिबो ओके अच्छा तो जानि लो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ए टाइप रो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होउची हबारो चांसेस अछि तो ताकु हमें रिजॉल्व केमिति करबा एथि मु लिखि छि ओके बाय यूजिंग का द्वारा रिजॉल्व करबा ना एक्सएमएल नेम स्पेस क्लियर अच्छा तो एक्सएमएल नेम स्पेस द्वारा हमें कोन करबा ना रिजॉल्व करबा देखो फर्स्ट आसीला कोन एग्जांपल ऑफ नेम स्पेस देखो फर्स्ट हमरो कोन आछि तमरो 1.xml ओके एही जेंति करथली 1.xml एही बेसिन 1.xml ओके तो 1.xml रे हमें कोन करबा ना हमरो फर्स्ट एक्सएमएल कोडिंग टा हम लिखबा ओके तो एक्सएमएल कोडिंग रे कोन रहूची समस्तंकर मने अछि बाय हार्ट करबो एटा कोन रहूची ना एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन इक्वल टू 1.0 एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8 ओके तापर आसला क्वेश्चन मार्क देन एंगल ब्रैकेट क्लोज क्लियर बुझा पड़ी तो एटा हमर कोन फास्ट जब मैक्सिमम फाइल गोटे लिखु जे एटा हमर कॉमन थिंग ए लाइनटा कॉमन लाइन हमर सब सब एक्सएमएल फाइल रे एटा होची कोन कॉमन ओके तो एटा हम फास्ट लिखि देले क्लियर तापर देखो बॉर्डर देखो तापर एही मु कोन करथली एलिमेंटटा होची हमर कोन क्लास ओके देखो एटा बेटा कंपैरिजन करबा ए जो एलिम हमर कोन सिंटैक्स ऑफ नेम स्पेस को आ कंपैरिजन करबा देखो तमे भूली जाओ जे फर्स्ट रे कोन अछि C1 अछि बोली भूली जाओ ओके फर्स्ट हमर एटा एटा भूली जाओ फर्स्ट कोन अछि क्लास ओके तो हमर कोन ला क्लास होन छ हमर कोन एलिमेंट मोटे कहि दिली क्लास ता कोन हमर एलिमेंट ओके तो एलिमेंट जगह रे कोन लिखली क्लास ओके तापर कोन लिखाइ छि एक्सएमएल एनएस एक्सएमएल एनएस ओके अच्छा जहाँ C1 जहाँ अच्छे से मुकुली जाओ मुकुआरे C1 टा कोई भी ओके फर्स्ट क्लास ला कौन एलिमेंट जगह रे कौन क्लास तापर कौन है सिला XML NS ओके माने नेम स्पेस हमें आरंभ कर ले ओके तापर सिला कौन नेम नेम जगह नेम टा हमरा कौन है ठीक प्रीफिक्स देखो C1 ना मैंने ले प्रीफिक्स क्लियर हमें ले कौन प्रीफिक्स टा कौन ले C1 C1 हमें काई के ले हम इच्छा अनुसार हम नहीं पर D1 E1 F1 जहां भी हम नहीं परबा किंतु एटा जेहेतु हमें क्लास 1.xml कोले आ एलिमेंट टा कौन ले क्लास ने ले हम जेना कौन कोले C1 ले नहीं करे जेहेतु हम रेफरेंस में सुविधा हो गई ओके तो C1 टा हमर कौन है लाइक ही C1 टा हमर कौन हो जे थी प्रीफिक्स ओके बुझा पड़ला तापर आसला कोन नेम परि कोन छ यू आर आई हमर नेम C1 इक्वल टू क्लास 1 क्लास 1 हमर कोन आमे यूआरएल जगह रे देखो यूआरआई माने कोन यूआरएल यूआरएल माने यूआरएल माने कोन आमे गुटे किछि यूआरएल माने वेबसाइट रो यूआरएल दबा सेमिति किछि नै ओके आमे जहा भी किछि हम निज रेफरेंस टाइम रे देख पारे ओके तो यूआरएल माने हमर कोन क्लास 1 बोली बुझे देली डॉट डॉट कर देली एपडे डबल कोट एपडे डबल कोट ओके बुझा पड़ला क्लियर अच्छा देख जेहेतु मु प्रीफिक्स कोन लेली C1 लेली मु एलिमेंट पूर्वरु मध्य C1 डॉट क्लास बोली लिखली जति कि हमर एलिमेंट अछि नहले एट्रिब्यूट अछि हमें ता पूर्वरु जहां प्रीफिक्स नैथिबा सेटा ही अटैच करिकि C1 डॉट क्लास C1 डॉट नेम जहां भी किछि हमें एलिमेंट आ एट्रिब्यूट अछि हमर से एलिमेंट आ एट्रिब्यूट पूर्वरु हमें से प्रीफिक्स को लगेबा से छि ओके आउ हम क्लोजिंग टैग रे मध्य से प्रीफिक्स लगे के हम क्लोज कर ओके तो देखो एडी कोन हला सेथि पे हम कोन करी थी खाली क्लास लिखि देले अगो तापर कोन लिखली C1 डॉट क्लास ओके तापर एक्सएमएल एनएस कोलन C1 इक्वल टू क्लास 1 माने प्रीफिक्स इक्वल टू यूआरएल ओके अच्छा तापर असला कोन देखो तापर असला कोन एडी कोन लिखाई छी नेम स्लैश नेम ओके तो नेम जगह रे नेम टा हम कोन एट्रिब्यूट C1 डॉट नेम ओके
कहती एलिमेंट पूर्व से प्रिफिक्स लगे एट्रीब्यूट पूर्व से प्रिफिक्स लगे तो सी वन डॉट नेम नेम जगह मुझे किसी ना लिखिली सपोज अमन लिखी ओके आम कौन है नेम टाइम क्लोज है क्लोजिंग टेक कौन लगे स्लैश सी वन डॉट नेम बुझा पड़ा एलिमेंट आगुरी सी वन लगे प्रिफिक्स जहाँ चूज करवा एलिमेंट पूर्व भी लगे एट्रीब्यूट पूर्व रिमाइंड करके से प्रीफिक्स ही लगे ओके अच्छा तो हमर कोन है क्लास का क्लोज होला एठी क्लास क्लोज होई छी ओके तो स्लैश सी1 डॉट क्लास क्लियर तो हमर प्रीफिक्स से कोठी कोठी लागिला देखो एही हमरो एलिमेंट पूर्व प्रीफिक्स लागि छी एटा तमे प्रीफिक्स नै छै एटा हमर कोन एट्रीब्यूट पूर्व लागि छी प्रीफिक्स एटा हमर एट्रीब्यूट क्लोज पूर्व लागि छी ओके एटा हमर एलिमेंट क्लोज पूर्व लागि छी क्लियर ओके तो हमें कोन करले फर्स्ट डॉट एक्सएमएल और सेकंड डॉट एक्सएमएल जेहे तमरे दा क्लास नेम माने एलिमेंट नेम और एट्रीब्यूट नेम सेम ही जाउथला हमें ताको अलग करिया पई वन डॉट एक्सएमएल रे गुटे प्रीफिक्स नेले सेटा होचो कोन सी1 ओके आ गुटे यूआर आई नेले सेटा होचो कोन क्लास 1 ओके एबे आईडिया आस्थुबो सेकंड एक्सएमएल रे हमें कोन नै परबा ऑब्वियसली कोन नै परबा सी2 आउ क्लास 2 ओके तो देखो सेम थिंग लिखिबो कोठी एक्सएमएल वर्जन 1.0 एनकोडिंग यूटीएफ 1.8 ओके तो आउ क्वेश्चन मार्क देकी फर्स्ट स्लाइड ता हमें क्लोज कर देबा देन असला कोनो जेहेतु हमें एठी सी1 नै जे एठी हमें कोन नबा सी2 क्लियर देखो क्लास एक्सएमएल एनएस सी2 होचे हमरो कोनो प्रीफिक्स ओके सी टू आम कौन प्रिफिक्स क्लास टू आम कौन यूआरएल ये क्लास वन आम कौन यूआरएल ओके बुझा पड़ा तो आम कौन कले सी टू गोटे प्रिफिक्स नहीं जाए तो सी टू क्लास पूर्व भी सी टू लगे ओके सी टू क्लास एक्सएमएल एनएस कोलन सी टू इक्वल टू क्लास टू ओके बुझा पड़ा देन आसा कौन सी टू डॉट नेम आम कौन नेम स्टार्ट हम नेम हम स्लैश नेम हम तमे कोन प्रीफिक्स लगेबा नेम पूर्वरो सी2 आ कोन ना देली अमन माने कोन एठी भी ना देली अमन एठी भी ना देली अमन काहे कि दुटा जगह सेम ना देली ना कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो एठी तो अलगा ना देबे एठी अलगा ना ना देले हमर कोन होबो कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही हेला बुझा पड़ला ना माने जदी हमें अलगा ना देबा चलिबो किंतु हमर क्लास नेम आ एलिमेंट नेम ता हमें सेम जदी रहिबो हमर कोन होबो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो बुझा पड़ला ये तुम्हें सेम ना दि अलग ना दि ये किसी मैटर करूनी किंतु क्लास नेम आ एलिमेंट नेम जो सेम अच्छी आम मर्ज करने चाहूचे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो क्लास नेम आम कौन है ये सी वन डॉट क्लास ये कौन है सी टू डॉट क्लास ये एलिमेंट नेम एलिमेंट नेम टाइप सी वन डॉट क्लास ये कौन है सी टू डॉट क्लास सेमती नेम कौन एट्रीब्यूट नेम टाइप कौन है सी वन डॉट नेम ये कौन है सी टू डॉट नेम ओके तो एलिमेंट नेम आउ एट्रीब्यूट नेम चेंज है सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट अराइज ओके तो फर्स्ट आसला कौन सी टू डॉट नेम अमन स्लैश सी टू डॉट नेम हेला देन आसला कौन स्लैश सी टू डॉट क्लास हम क्लास क्लोज करले स्लैश सी टू डॉट क्लास बुझा पड़ला तो हमरो एठी कोडा भी सेम रहला ने सब अलग अलग हेला तो मैं कौन लिखा नाउ देर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू नेम स्पेस द्वारा नेम स्पेस यूज करने द्वारा आम कौन है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हेला ना ओके तो आम जो दुटा डॉक्यूमेंट को एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को मर्ज करने चेस्ट करूचे आम देखा जे क्लास नेम और एलिमेंट नेम सेम अच्छे कि जदि सेम अच्छे आम कौन करवा ना बाय यूजिंग नेम स्पेस वी कैन रिजॉल्व द नेम कॉन्फ्लिक्ट एलिमेंट नेम कॉन्फ्लिक्ट ओके जदि सेम ना तो आम कुछ करवा दरकार नहीं ओके बुझा पड़ा तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सएमएल नेम स्पेस क्लियर आम नेक्स्ट वीडियो रे में कौन पढ़ा ना एक्सएमएल रो तुम्हारो स्केमा एक्सएमएल स्केमा रे आम के मानते एक्सएमएल स्केमा डेफिनेशन एक्स एस डी एटा पढ़ा तार डिफरेंस बिटवीन डीटीडी एंड एसएसडी ओके एसएसडी आउ डीटीडी भितर डिफरेंस कौन ओके तो ये सब विषय पढ़ा आमर गोटे जिनस आमर जहाँ भी किसी डाउट अच्छे तुम तुम पचार पार सी एच एस सैंस क्लासेस ग्रुप गुट अच्छे फेसबुक रेटा पचार पार आम सब भिड मैंने सब सब्जेक्टर भिड हूँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड आईटी कौन से कारण जब किसी भिड हो पारे तो
आम चेस्ट करूँ भिड करने ओके तो आम से जिनको आम आखि आगे रखिकी भिड सब तुम मैं लॉकडाउन पीरियड में तुम कमी सुविधा रही है ताको आखि आगे रखिकी आम सब भिड करने चेस्ट करके तो ये जहाँ किसी डाउट अच्छे आम मैंने कमेंट बक्स में पचार पार आम नॉर्मल कमेंट बक्स पचार पार ना तुम फेसबुक ग्रुप में भी पचार पार ओके तो लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब सब करके तो दिस इज फॉर टुडे थैंक यू।